के मंडी में तो हम रस्ते पहुंच गए हैं, मैं बेचने जा रहे हैं। हम इसको परसों के आए थे, बहुत खराब हो गया। मेरे को जाती मेरी माँ यानी कि मेरी मम्मी, मेरे को बहुत मारे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की मशीन के साथ। आज हमने मशीन लगा दी सुबह सुबह, और यहाँ पर मम्मी जी और बना रहे हैं जो पनीर बच रहा था उसके परांठे। मम्मी खराब होगा छोड़ दिया इसने, तो छोड़ दिया डाल दिया, दो का एक में डाल दिया। अच्छा कमजोर हो गया, रोटी राटी खाए कमजोर तो आएंगे। तो अभी मशीन लगा रहे थे गाइस, यहाँ पे देखो कपड़े व्हाइट कपड़े की मैंने लगाई है, तो ये भी लगा देता हूँ फटाफट से, फिर वो कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई लगा रहे हैं पोछा, और मम्मी जी कर रहे हैं बर्तन, और दीदी दीदी तू क्या कर रही है? कपड़े धो रहे भाई। अच्छा सारे काम पे लगे? हाँ मैं ही नहीं लगा। तू बड़ा बंदा क्या? काम तो है। मैं क्यों काम चल, दीदी कह रही है मैं बड़ा बंदा हूँ। बड़ा बंदा हूँ तो काम कौन कर रहा है? दीदी को कौन का काम है? बड़े बंदे दीदी कह रही है मेरे को। तो गाइस जब मैं घर पर आ गया, मेरे पास ना घर पे मशीन थी शेविंग वाली, तो मैंने मुकुल को ऐसे कहा, मुकुल पीछे से ना थोड़े जैसे ये जहाँ पे बाल आ जाते हैं यहाँ पे बाल आ जाते हैं ये थोड़े सेट कर दे। इसने तो क्या करा, मशीन ऊपर तक मारती। अब मेरे को मजबूरी में जाके यहाँ पे कटिंग करवा के आनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था आंसी तो जानी है दीवास पे जब चला जाता जब कटिंग करवाया था, और वो कर लेता। फोन का ग्लास टूट गया था वो भी चेंज करवाया। यहाँ पे मम्मी कर रही है सूट काट रहे, और मुस्कान तुरपाई कर रही है किस चीज की? सूट की। तो गाइस यहाँ पे भाई नाक हो गया तैयार, और यहाँ पे मम्मी काट रही थी सूट, तो मैं नाक तैयार हो गया। और मैंने मोलो क्या था नीचे नीचे से करने के लिए मोलो ऊपर कर दिया कटिंग करवा के, है ना, वो कटिंग वाले भी यहाँ पे ऐसी लगे मेरे को, तो उन्होंने भी पूरी शेप नहीं दी। गाइस अभी मम्मी जी ने यहाँ पे बेड सरकवा दिया, मैंने लग के ये हटा दिया। बेड इधर था, पहले इधर था फिर इधर करवा दिया। किधर जा रहा भाई बता? मैंने करा था। ओ हो करा था, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे थे। हाँ पंखा भी थोड़ा हो रहा, मच्छर तो है। हाँ मशीन मशीन सेट होगी, मतलब बेड पे बैठ के सिलाई भी हो सकती है और साथ में मशीन भी लग गई। हाँ ठीक। तो गाइस आज ना यहाँ पे हमने चटाई लगवा दी, ये चटाई का आधा काम होगा, बेड सरकवा दिया। हलवा नहीं खा सकते ये बच्चे, और फुल घी का है, देखो घी जमा भी हो है यहाँ पे। हाँ, खा नहीं। हम मम्मी गरीब बालक मुस्कान यहाँ पे धोएगी बर्तन, गरीब अपने पास घी नहीं होता, घी नहीं होता। तो काम कंप्लीट हो गया है, और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे अंदर बैठ गए। मैं कर रही थी इधर सिलाई, तो सिलाई करते करते ना मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती थी जिंदगी की, तो मैं आपको बताती हूँ। सभी के प्यार से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, और आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो गाइस मैं आपसे ना एक मेरे जीवन की सच्चाई के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे देखो मेरी जिंदगी में ना थोड़ा बहुत कुछ सही होने का दिख रहा था मेरे को, और धीरे धीरे सब कुछ सही आ रहा था। तो हम ऐसी जगह पे भी पहुँचना चाहते थे जहाँ पर हम अपनी आजादी से भी रह सके और अपनी आजादी से काम भी कर सके। उसके बावजूद हमारी जिंदगी में मतलब ऐसा हो गया जो हमको काम बिल्कुल ही ठप हो गया था हमारा। तो काम की परेशानी देखकर ना, काम अगर नहीं होगा ना तो आपको पता है खर्चे भी बढ़ेंगे, दबाव भी बढ़ेगा, जिम्मेदारी भी बढ़े। कई दोस्तों ने हमारी खूब सारी मदद की, तो उससे घर का खर्चा तो चल गया पर हम उनका ऋण तो वापस नहीं दे सके। ये देखकर ना भाई घर के सब बंदे मिलकर ये देख रहे थे भाई क्या कुछ ऐसा करे जिससे हमारी समस्याओं का समाधान निकल सके। तो घर में ना मेरे को ना बजट देख के ही घर का खर्चा चलाना पड़ता था, घर का मतलब कोई योजना करनी पड़ती थी, कहीं जाना आने के लिए भी सोचना पड़ता था। मेरी माँ ने मेरी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मेरे से कहा कि तू किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर, शायद तेरी समस्याओं का समाधान वहाँ पर मिल जाए। और मैंने घर जाकर फटाफट एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड किया, और उस पे मुझे मिली पल्लवी जी। तो मैंने पल्लवी जी से बात की, और बात करने के बाद पल्लवी जी ने मेरे से मेरी जन्म डेट और टाइम मांगा, और उन्होंने बताया कि तेरे घर में भाई बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और पैसों की तंगी है। पल्लवी जी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई बिल्कुल, भाई मैंने किसी से नहीं बताया था, आज लगी ये बात भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे होने। पल्लवी जी को पता लग गया, पल्लवी जी ने मेरे को ना उपाय बताए। उपाय बताने के बाद मैंने उनको 9 दिन तक फॉलो किया। फॉलो करने के बाद ना मेरा हौसला बढ़ गया मेरा, और मैंने देखा कि भी धीरे धीरे मेरा काम सेटल होने लग गया, मेरा यूट्यूब चैनल भी अच्छा चल गया, घर के लड़ाई झगड़े भी खत्म हो गए, और सब कुछ एक अच्छी तरह से चलने लगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें और जल्दी से जाके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे, शायद आपकी समस्याएं भी वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाए। और हमारे लिंक से पहली चैट बिल्कुल मुफ्त। तो गाइस आया था मामा जी के घर पर शाम को सिखाया था, और आज हमारी है गेहूं कटाई। देखो वो वाला किला था ना जिधर से ट्रैक्टर आ रहा है, वो ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, वो तो कर दिया खाली। अभी ये दूसरे किले में चल रहा है कंबाइन, वो रही कंबाइन,
अब ये काट देती है। मैं पहले घर पे जाने की सोच रहा था, मैं चलो आज देख के आते हैं क्या कुछ रहते हैं। अब ट्रैक्टर आ जाएगा फिर यहाँ पे बैठ के। मैं रोटी लेके आया हूँ इन सबकी, ये सुबह से आए हुए हैं। मैं सुबह सो रहा था जब ये आए थे, तो मैं बाद में आ गया, तो मैं इनकी रोटी देते हुए रोटी खा लेंगे। और आप इतने कंबाइन के पास चलते हैं, कंबाइन काट रही है गेहूँ, और यहाँ पे ट्रैक्टर भी आ गया पास में ही। समझ समझ, छाया करनी है छाया, बैठने के लिए रोटी खाने के लिए छाया करनी है, कोई एक्शन दिखाने के लिए ट्रैक्टर नहीं चलाना तेरे को। सही बात है ना भाई, एक्शन दिखाने नहीं, छाया कर दो सही से। हाँ भाई, एक किले खाली पड़े काट लेंगे और निकल जाएगी। समझा के छाया कैसे करते हैं? हाँ समझ गया मैं। हाँ इतना दिमाग ना चलाओ तुम। खेत में आना बहुत डिफिकल्ट काम है, और कंबाइन के सामने खड़ा होना तो उससे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ये रनी उड़ती है ना, ये बहुत ज्यादा लड़ती है। जैसे कि इसके ऊपर है जैसे कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं थोड़ा बच गया है ना। जैसे ये कंबाइन गेहूं को काटती है, पीछे से वो भूसा निकालती है, और उससे से रनी उड़ती है, जो वो उड़ रही है वो हमारे को खा जाती है फिर, है ना? यही बात है ना, मतलब लड़ती है। सही बात है ना। हाँ। के मेरा ये कंबाइन ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे आ जाती है। सही बात ना। इस कंबाइन चलाना ना आसान है, वो तो हर आदमी कैसे बैठा है, मैं चला लू इतनी तो बैठ कर 5 मिनट 10 मिनट बैठूंगा फिर तो। आसान है देख, बिल्कुल एक टांग ऐसे, एक टांग ऐसे करके बैठे बेटा। 1 किले के 1400 रुपए बहुत महंगा रेट है ने? ये तो बात है। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं हमारी कणक निकलवा के मंडी में, तो हम रस्ते पहुंच गए हैं, और ये हमारी कणक है प्यारी प्यारी, जो कि हम मंडी में बेचने जा रहे हैं। हम इसको परसों के आए थे, देख लो मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, मेरे को जाती है मेरी मम्मी, मेरे को बहुत मारेगी, बहुत मारेगी, इतना मारेगी पूछो मत। और यहाँ पे सतूत लग रहे हैं अभी बड़े बड़े, अभी तोड़ेंगे इनको। ए भाई यूरा 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 भाई यूरा यूरा पागा, नहीं मिला, हाथ नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो अभी हालत बहुत खराब हो चुकी है, कोई बात नहीं, हालत खराब बेशक हो, लेकिन सब्जी मंडी में कनक डाल, ओ अनाज मंडी में कनक डाल के जरूर, सब्जी मंडी में नहीं अनाज मंडी अनाज मंडी, अनाज मंडी में यहाँ पे अभी कांटे पे ट्रैक्टर तुल रहे हैं, मतलब कितना कुछ है। यहाँ पे हम अभी रुके हैं, और क्या कहते हैं, अभी आगे लेके जाएंगे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर लेने के बाद फिर हम उतर जाएंगे, फिर तोला जाएगा कितना इसमें अनाज था, मतलब पूरा ट्रैक्टर का वजन लेंगे एक बार, फिर खाली करके आएंगे ना, फिर ट्रैक्टर में से माइनस कर देंगे अनाज कितना था। हमारी पर्ची कट गई है, अभी हम जा रहे हैं इस कणक को ऐसी जगह पे डालने जहाँ पे बोरियों में भरी जाएगी, बाद में फिर हमारे तक पहुंचेगी। हम ऐसी जगह पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे ये कणक, और यहाँ पे बोरियों में भर के पहुंच जाएगी। सही जावे थोड़ा सा घुमा दे, हाँ जान दे जमा सही, लाइन में हाँ जान दे तो कनक की चेकिंग, और हमने पीछे से खोल दिया डाला, जो कि कनक इसके अंदर घुस, नहीं कनक मिक्स हो जाएगी। उतार दे भाई चप्पल में कनक, चप्पल दूसरी भाई डंपर का उठेगा लीवर, डंपर ऊपर से ऐसे हो जाएगा खड़ा, और यहाँ पे कनक निकल जाएगी सारी, परेशानी बहुत होगी, लड़ाई भी होगी तेरी जगह पे, तो चप्पल में फिर कनक घुसेगी। उठा दे भाई लीवर, उठा दे, वेरी गुड डन, जानते जानते जावे है, चलो 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 सही सही बढ़िया। तो गाइस अभी मैं अपने घर की गली में पहुंच गया हूँ, अभी फटाफट घर चलते हैं, मैं वहाँ से मामा जी के आ गया, क्योंकि मेरा व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ था, और मैं बाकी व्लॉग अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अभी मैं घर पर आ गया, घर पर आके मैं नहा लिया, क्योंकि ना वो रनी थी ना वो बिल्कुल चुभ रही थी और खारिज भी कर रही थी, तो मैंने आके नहा लिया। और यहाँ पे मम्मी जी अपना थोड़ा हेयर स्टाइल कर रहे हैं, मुस्कान सिलाई कर रहे थे, अब तो बैठे तो मुस्कान और मुकुल यहाँ पे सो रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं। तो गाइज हमारी छत का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं, हमको भी छत पे चढ़े नहीं थे, छत पे चढ़ गए आज हम, ऊपर से कच्ची छत है ये, इसको मेरे से पक्की नीचे से पक्की लग रही, नीचे गाटर पत्थर लगे हुए, मैं सोचा ऊपर ही पक्की पाएगी, सीमेंट मसाला तो गेर रखा होगा, तो ऊपर आके देखी तो यहाँ पे कई जगह गोबर पात रखा, कई जगह क्या कर रखे, ये है हमारे साइड वाले घर, घर वालों के गोबर पात रखे, यहाँ पे गोसे पात रखे, यानी कि तो ये मुकुल बताएगा। देखो ये छत है हमारी, इतनी सी छत है, इतना चौड़ा कमरा है हमारा, और ये सारी कच्ची पड़ी है देख लो। हाँ जी,
और यहाँ पे गोबर है, गोसे है, वहाँ मच्छर भी है, देखते हैं मुंह में। यहाँ पे खाली प्लाट है, यहाँ पे खाली प्लाट पड़ा है। तो मंदिर भी बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है, दो तीन गली छोड़ के। तो गाइस आज की वीडियो को हम इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी जाके एस्ट्रो टॉक ऐप को डाउनलोड कर ले और उधर जाके अपनी समस्या का समाधान निकाले। हमने तो निकाला, अब आप भी अपनी समस्या का समाधान निकाले। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।